सिद्धार्थनगर जिले में किसान यूनियन भानु गुट के कार्यकर्ताओं ने कृषि विभाग के ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में किसान यूनियन के महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए जिलाध्यक्ष राकेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 14 सूत्रीय मांगों को लेकर जानकारी दी और कहा कि खाद के मूल्य में कालाबाजारी, सिंचाई विभाग की लापरवाही, बिजली की समस्या इत्यादि को गिनाते हुए प्रशासन से मांगों को पूरा करने की मांग की और कहा कि अगर मांगे नहीं माने जाने पर बृहद प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। इसमें 19 बिंदुओं की शिकायत है जिसमें जिले में आप देखिए किसानों को शासन का रहा है कि हम बहुत सारी व्यवस्था की है। यूरिया 266.50 है, DAP 1350 है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है। पूरे क्षेत्र 1600 में DAP बिक रहा है, यूरिया 400 रुपया बिक रहा है, 380 बिक रहा है। साधन सहकारी समितियों में कहीं कहीं जो सचिव बहुत ईमानदार कहे जा रहे हैं वो 280 में दे रहे हैं, नहीं तो 300। ये साधन सहकारी समितियों की स्थिति। PM किसान का है, उसमें माननीय हमारे उप निदेशक साहब कह रहे थे हमारे ज़िले में सारे लोगों का कंप्लीट हो गया, लेकिन ज़िले में अभी 5000 से लोग तमाम किसान वंचित पड़े हैं, जबकि वो कई बार बेचारे परिक्रमा किए हैं और उसका बाद आज तक निदान नहीं हो पाया है। यही हाल आपके आवास का है, शहरी आवास में जिनका गरीब है, बहुत गरीब हैं, वो आवास नहीं पा रहे हैं, और जिनके पास दो दो मंजिला मकान है, दीवार किसी का जोड़ा जा रहा है, उसी पर खड़े होकर फोटो खिंचवा लिए, पैसा दे दीजिए, हो गया। वही हाल आपके ग्राम पंचायत में है, 1,20,000 वैसे सरकार अनदेखी कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 है और शहरी क्षेत्रों में उसी का 2,50,000 है, जबकि लागत शहरी क्षेत्र में कोई महंगा नहीं है, ना देहात में सस्ता है। चाहते क्या? हम यही चाहते हैं कि इसका पात्रों तक लाभ पहुंचाया जाए। अगर नहीं होता है तो हम लोग खेती किसानी का काम, किसानों का ही सिंचाई समाप्त हो जाए, हम बृहद आंदोलन करेंगे कलेक्ट्रेट पर, इसलिए मैंने अवगत करा रहा हूँ। बिजली व्यवस्थाएँ हैं, चरमरा गई है एकदम से। आप देखिए उसमें मीटर एक लगा है, दो दो बिल आ रहे हैं, इसकी जब शिकायत की जा रही है तब कह रहे हैं हम मीटर को दुरुस्त कर दे रहे हैं। कोटेदारों की मनमानी है, 5 किलो यूनिट है, 3 किलो, 4 किलो, हम तोदे वालों को 15 किलो दे रहे हैं। माननीय योगी जी का प्रमाण है कि किसी भी जगह सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं होगा, एंटी रोमियो भूमाफिया चल रहा है, लेकिन अभी आपके जीता जागता प्रमाण है जिला अधिकारी महोदय को 13/12/2023 में दिया गया था, हमारे इटवा तहसील विकास खंड खुनियाव का है, जिसमें जिला अधिकारी महोदय ने उप जिला अधिकारी इटवा या सच्चो इटवा को निर्देशित किया गया था कि शमशान की भूमि पर ही निर्माण कार्य कराया जाए, ना कि दूसरे। लेकिन ग्राम प्रधान संदल ज्योत का वो 61 गाटा संख्या पर, जबकि अन्य व्यक्तियों के नाम से वो जमीन है, उस पर शमशान का निर्माण पिलर दे रहा है। ऐसी ऐसी विसंगतियाँ हैं, इन विसंगतियों को दूर किया जाए, नहीं तो संगठन बृहद आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन संबंधित विभाग के विभागाध्यक्षों की होगी।